गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए आप लोगों को चैप्टर 13 द सोलर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। आपको अर्थ के बारे में बताया गया है। आपको पेज नंबर जो 89 है उसको आपको देखना है, ठीक है। 89 का देखिएगा ध्यान से बेटा। देखिए जो 89 है आपको सेकंड जो पैराग्राफ है वहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। जब पृथ्वी फेस करती है यानी आधा भाग जब उसके सूर्य के
जब सूर्यास्त होता है तो आप देखेंगे कि क्या आने लगेगा, जब शाम ढलता है तो लोग कहते हैं ना कि अब रात आएगी, अब रात्रि आने वाली है, यानी जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात्र हो जाता है रात्रि, और जब सूर्योदय होगा तो वह क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। इन समर इन द आर्कटिक फेसिंग द सन, समर गर्मी के महीने में आर्कटिक में इट इज द डे फॉर अबाउट 6 मंथ। तो आर्कटिक में क्या होता है, वो सूर्य का फेस करते हैं और वहां पे जो दिन है लगभग 6 महीने तक रहता है, वहां पर 6 महीने तक लगभग क्या रहता है, दिन रहता है, 6 महीने तक लगभग दिन रहता है। इन द अंटार्कटिक अवे फ्रॉम द सन, जो कि क्या है, वह सन से दूर है, अंटार्कटिक जो है सन से दूर है, तो इट इज नाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, तो वहां पे क्या होता है, लगभग 6 महीने रात होता है। गर्मियों में आर्कटिक ऐसा है जो कि वहां पे सूर्य से वो फेस करता है, तो वहां पे 6 महीने लगभग दिन होता है, और अंटार्कटिक जो है वहाँ पे वो फेस जो है उससे, सॉरी सूर्य जो है उससे दूर है, तो वहाँ पे 6 महीने लगभग क्या होती है, रात्रि होती है। आइए रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, द मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वह मोमेंट जो पृथ्वी के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, कर्ण ये क्या कहा जाता है, कर्ण रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन 365/4 डे, पृथ्वी जो एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करती है कितने दिन में, 365/4 डे, वी कॉल दिस पीरियड ए सोलर ईयर और जस्ट ए ईयर। इस पीरियड को क्या कहा जाता है, सोलर ईयर या तो फिर जस्ट ए ईयर। ठीक है, देखते हैं रिवॉल्यूशन कॉसेस सीजन। ठीक है, द सीजन अकर बिकॉज द अर्थ इज टाइड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये सीजन जो है ये भी होते हैं क्योंकि पृथ्वी क्या कर अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, एज द अर्थ मूव अराउंड द सन, पृथ्वी क्या करती है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, द हेमिस्फीयर दैट इज टावर द सन गेट्स मोर ऑन द सन रेज एंड सो इज मोर, कि हेमिस्फीयर के रूप में क्या कर रही है, घूम रही है, क्योंकि सूर्य उनमें पे प्राप्त होता है मोर देन द सन रेज, यानी कि अत्यधिक सूर्य की किरणें वहाँ पे पड़ेंगी, सो इज वॉर, इसलिए वो क्या रहता है, गर्म रहता है। दिस हेमिस्फीयर हैज समर, यह हेमिस्फीयर कब होगा, गर्मियों में, द डे आर लॉन्गर हेयर, वहाँ पे दिन क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, एज द हेमिस्फीयर टाइल्ड अवे फ्रॉम द सन गेट्स लेस ऑफ द सन्स रे, जब जो टेल से वह दूर होगा तो सन की किरणें क्या होंगी, बहुत कम उस पर पड़ेगी, तो सो इट इज लेस वॉर, तो वहाँ पे क्या रहेगा, गर्मी कम पड़ेगी। दिस हेमिस्फीयर हैज विंटर, तो वहाँ पे क्या होगा सीजन, वहाँ पे विंटर जाड़े का मौसम होगा, देयर डे आर शॉर्टर, वहाँ पे दिन क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, वहाँ का दिन बहुत छोटा होगा। एट द इक्वेटर इन द मिडिल ऑफ द अर्थ, बराबर कब होगा, जब और पृथ्वी के मिडिल में होगा, तो द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज वेरी लिटिल, तो वहाँ तब दिन और रात क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। द पिक्चर शोन द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट सीजन, देखिए पूरा जो सीजन है आपको ये दिखाया गया है। ठीक है, आज ये खत्म हो जाएगा। ऑन June 21 द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टाइल टावर द सन, 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे जो सन है वो टावर द गेट्स मोर सन रेज, यहाँ 21 वाले दिन 21 जून को जो सूर्य की किरणें बहुत अधिक पड़ती हैं, सो इट इज समर, इसलिए क्या होता है, गर्मी होता है इन दिस हेमिस्फीयर, द साउथर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, जब वह दूर होगा तो सो इट इज हैज विंटर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वह उस समय ठंडी रहता है। द अपोजिट अकर्स ऑन December 21 or 22, 21 या 22 दिसंबर को यह क्या हो जाएगा, ठंडी रहेगी, वेन इट इज विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उस समय किसमें, जाड़े के मौसम में 21 और 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, अत्यधिक ठंडी रहती है। हेमिस्फीयर एंड समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ऑन September 23 एंड March 21 द सनलाइट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू हेमिस्फीयर, ऑन September